are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैमरे, जो हमारे घर पे कैमरे होते हैं उसके लिए। मतलब कहीं पे भी बैठे हो और अपने घर का जो भी आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ देख सकते हो। तो ये जो कैमरा है, ये हमें मिला है HIK विज़न का। देखो ये कैमरा हैगा और ये हमें इसकी कॉस्टिंग पड़ी है 1000 रुपये, और ये इसका डिब्बा हैगा। तो ये हम दो कैमरे लेके आए हैं, देखो 1080p के हैं ये, मतलब फुल HD है। देखो इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लो आप, मॉडल कौन सा है, क्या है, क्या नहीं है। और एक हम लेके आए हैं ये वाले, जो कि बाहर लगते हैं, और इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा होती है और इसकी कम रेंज होती है। तो इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये कैमरा है, ये जो ये कैमरे होते हैं इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है और इनकी कम होती है। तो ये हमें 1100 का पड़ा है और ये हमें 1000 रुपये का पड़ा है। तो देख लो आप दोनों में डिफरेंसेस कितने हैंगे, और आपको पूरे घर में लगा के भी देखेंगे, चलाएंगे भी आपके, और दिखाएंगे कैसे कैसे लगते हैं ये। और एक हम ये लेके आए इनकी पावर सप्लाई, जो कि 8 चैनल की हैगी, और ये हमें पड़ी है 600 रुपये की। तो ये भी खोल के दिखाते हैं कैसी है अंदर से। तो ये सप्लाई ऐसी है कुछ, और ये हमें 12 वोल्ट मिलती है और 10 एम्पियर, और ये 8 चैनल है। तो मतलब 8 कैमरे को आप पावर दे सकते हो इससे। और इसमें ये कुछ मोड दे रखे हैं, एक्स, लॉन्ग, लॉन्ग, नॉर्मल, और यहाँ से आपकी पावर सप्लाई होगी इसके अंदर, और यहाँ से आउटपुट होगा कैमरे का। तो देख लो ये कुछ ऐसी प्लास्टिक की है ये, और इसके अंदर हमें एक केबल मिलती है इसकी, ये रही। और ये हमारा DVR हैगा, जो कि 8 चैनल लेके आए हम, और ये हमें पड़ा है 3500 रुपये का। तो ये कुछ इस तरह है, वाइट कलर में मिलता है हमें, देखो। और ये पीछे हमें कुछ इसके पोर्ट मिल जाते हैं, जैसे कि जो कैमरे का आउटपुट होगा व्यू, तो वो यहाँ पे लगेंगे। और हमारा एक VGA केबल मिल जाती है, HDMI मिल जाती है हमें इसकी आउटपुट, और ये इन आउट है, जैसे कि हम अपने TV में चलाते हैं। और एक इसका नेट का मिल जाता है, लैंड केबल का, और 2 USB पेन ड्राइव मिल जाती हैं। और ये 12 वोल्ट का इसका जो पावर देंगे हम इसको वो है। और इसके डिब्बे में हमें ये कि मिला है चार्जर इसका, जो इसको पावर देगा। और एक ये हैगा, जैसे कि जो हम हार्ड डिस्क लगाएंगे इसके अंदर उसका है ये। और ये हमें कुछ, ये भी हार्ड डिस्क का ही हैगा। और ये नट मिले हमें ये रे, और एक माउस मिलता है हमें इसके अंदर, जैसे कि हम चलाएंगे जो इसको, और बस। और अब आपको लगा के दिखाएंगे, सारी चीज़ करके दिखाएंगे, तो आप बने रहे वीडियो में। और ये हमें वायरिंग मिली है देखो कैमरे की, जो इसको पावर देगा और जो इसका आउटपुट निकालेगा वीडियो का। तो ये भी आपको लगा के दिखाएंगे कैसे हम लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। इसके अंदर हम हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हार्ड डिस्क लगती है।
देखो इसके अंदर हमें चार नट मिलते हैं चारों साइड में, तो वो खोल के फिर इसके अंदर हार्ड डिस्क लगेगी। आप 320 की लगाना चाहते हो या 500 की या 1000 मतलब 1 TB की, तो आप कितने की भी लगा सकते हो इसके अंदर। और बैकअप हमें मिलेगा 15 दिन का, तो फिर जो 15 दिन का पहले का डाटा रहेगा वो उड़ता रहेगा। जब इसके अंदर 8 कैमरे लगेंगे जब मिलेगा 15 दिन का, और अभी हम 4 ही कैमरे लगा रहे हैं, तो हमें उससे क्या पता 15 दिन से ज़्यादा का बैकअप भी मिल जाए। देखो ये खुल गया है, इसमें कुछ ये नहीं होता है बस। इसके अंदर देखो बस छोटा सा बोर्ड मिलता है हमें और कुछ नहीं है देखो, और ये ऊपर प्लास्टिक रहती है बस। ये हार्ड डिस्क यहाँ पे लग जाएगी हमारी, और जो मैं कह रहा था ना कि हार्ड डिस्क में लगेंगे तार, तो ये वो आएंगे जो हार्ड डिस्क को सप्लाई देंगे और इसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे। देखो ये यहाँ पे लगता है ऐसे, और ये दूसरे वाला है ये हमारा लगेगा इसके अंदर ऐसे देखो, और फिर ये दोनों लगेंगे हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। इसके नीचे दिल्ली कार्ड का देख ले भाई, और हम ये अपने घर में कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर में ही लगा सकते हैं अपने आप बिना किसी को पैसे दिए, अपने खरीद के ले जाओ और अपने चलाओ। और पहले अब इसको टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये ठीक है, हार्ड डिस्क चल रही है या नहीं चल रही। हम वीजे केबल लगा रहे हैं और ये हमारा मॉनिटर रहेगा। देखो ये लग गया वीजे केबल, और पावर केबल भी लग चुकी है, अब ऑन कर दिया है। कभी इसमें खटका हो गई, देखो ये हमारा चल गया है, लाइट इसके अंदर रेड कलर की जलती है। और ये हमारा USB का तार है जो कि हमारा माउस का है, ये हमारा माउस है हमारे पास रखा था डेल का माउस, और इसके अंदर लाइट आ चुकी है, इसका मतलब चल रहा है ये। और देखो ये इसके एक विजन कहते हैं इसको, और बढ़िया कंपनी बताते हैं जब हम लेके आए हैं। ख़राब है यार, तो देखो ये पैटर्न मांग रहा है, और ये हमारे 8 कैमरे आ चुके हैं इसके अंदर जो कि अभी एक भी कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमारा सब कुछ ठीक है। ये देखो 8 कैमरे आ गए हैं, देखो हमारी 1 TB की आ गई है इसके अंदर हार्ड डिस्क, 908 GB दिखा रहा है, और ये सब कुछ डाटा आएगा, अभी कुछ है नहीं इसके अंदर। हमने ये लगा दिया इसके अंदर, और ये हमारी पावर की हैगी जो इसके अंदर लग गई है पावर केबल, मतलब जैसे कि पावर जो हार्ड डिस्क को देगी, और ये डाटा की केबल होती है जो डाटा इसके अंदर स्टोर रहेगा सारा। और अब इसको हम बंद कर रहे हैं, और इसके जो नट होते हैं नीचे की साइड से लगेंगे, तो आप लगा देना और इसको टाइट कस देना ताकि हिले ना ये हार्ड डिस्क आपकी। और ये देख लेना इसमें ना वो दे रखे हैं लोग, जैसे कि देखो ये इसके अंदर पूरी फंस जाएगा ये, तो टाइट हो जाएगा, और फिर ये जो 4 नट हमने खोले थे फिर वो लगा देना। और भाई जो इसके नट थे ना, ये नट खो गए हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हमने खोल के, अब ढूंढ रहे हैं। ये मिल गया गाइस, ये इसके अंदर रख दिए थे कटोरी के अंदर। अब देखो भाई हम ये लगा रहे हैं इस कैमरे के कनेक्टर जो कि तार में कनेक्ट करेंगे ये पावर का कैमरे का, और ये छील दिए हैं तार, और मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं इसका पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। और ये इसके अंदर लगेगा, ये कनेक्ट रहेंगे कैमरे के, और सारी जानकारी देंगे आपको। ये हम बीच में से काटेंगे, और जो ये हैगा जो वीडियो केबल होती है बीच में से काटी है, ताकि एक वो 8 चैनल का जो इसका DVR है उसमें लग जाए, और एक कैमरे के अंदर लग जाए, और बीच में जो हमारा तार है वो लगेगा। देखो ये छील दिए, फिर इसको टेप से हम कवर कर देंगे। अब इसको देखेंगे इसका नेगेटिव पॉजिटिव। बोल रहा हूँ
देख लो भाई कौन सा किसका है। ओके ओके तो है। और देखो ये हमारा तार तार हैगा, देखो ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर से ऐसे और फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा। और अब इसके कनेक्टर जोड़ रहे हम। डीसी कनेक्टर तो ये है, ठीक है डीसी कनेक्टर यहाँ जुड़ेंगे। और आप और टेप लगानी मत भूलना इसके अंदर, क्योंकि टेप लगानी बहुत ज़रूरी होती है। रेड और वाइट ये डीसी कनेक्टर है। ये देखो और हम सोल्डिंग कर रहे हैं ताकि काम मजबूत हो, हेल फेल काम नहीं करते हम। और जितने भी तार है सारों में सोल्डिंग कर देना आप भी, ताकि कार्बन 9 तारों में। ये कैमरा चल गया है, टीवी में चलाया और देखो कैसे रख रखा है सामान इसका, कहां कहां से तार आए हैं। देखो ये तार आ रहा बाहर से और ये इसके डिवाइस हैंगे और ये कैमरा है। देखो अभी सेटिंग बिठा रहे हैं इसकी। तो जैसे ही आप DVR को इथरनेट दोगे तो वो अपने आप ही आपको लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो उसके अंदर आपको फिल करना है पहले। और फिर आपको अपने जैसे कि आपका प्ले स्टोर पर एक ऐप हैगी हिकविजन के नाम से, तो आप वो उसको इंस्टॉल करो और ऐप और आपको एप्पल स्टोर में मिल जाएगी वो। तो इंस्टॉल करने के बाद जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला है DVR में, तो वही उसके अंदर लॉगिन करना है। तो फिर आप लॉगिन हो जाता है, मतलब कभी कभी एक दो बार होता है कि पासवर्ड मिल नहीं पाता या यूज़र आईडी मिल नहीं पाती, तो आप इसके अंदर एक और चीज़ है वो बार कोड, तो बार कोड से भी आप स्कैन करके लॉगिन कर सकते हो। और बार कोड आपको मिलेगा इसके DVR में माउस से, तो बारकोड मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और जैसे कि इसके अंदर एक और चीज़ है पैटर्न, तो जो पैटर्न है जैसे हमारे फ़ोन के अंदर पैटर्न रहता है कि भाई कोई और ना खोले हमारा फ़ोन, तो ऐसे DVR के अंदर रहता है पैटर्न, तो आप अपने हिसाब से पैटर्न कुछ भी लगा सकते हो। तो जो हमें शुरू में मिलता है वो हमें L करके कुछ मिलता है जो हमें फर्स्ट मिलता है, तो उसके बाद आप अपना फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब कि नया पासवर्ड डाल सकते हैं, पिन जो भी होता है पैटर्न अपना नया डाल सकते हैं हम। तो यही है अपने, फिर लॉगिन करते रहो। ये बहुत सारी चीज़ पूछेगा कि नेटवर्क कौन सा है आपका। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर अपने आप की भाई जहाँ पे आप लॉगिन आईडी और यूज़र अपना सेट करोगे वहीं पे नीचे की साइड में आ जाएगा एक बार कोड, तो उस बार कोड को आप स्कैन कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो गाइस एक तो कैमरा हमने दुकान में लगाया अपनी, इसके जो तार हैं वो आए बाहर से ऐसे ऊपर ऊपर करके, और फिर जो हमारा एक अभी दिखाता हूँ। तो भाई एक तो यो कैमरा रहा और एक वो रहा उस साइड आएगा, देखो एक वो रहा। तो वो वाला कैमरा तो ये सारी चीज़ कवर कर रहा है, और जो ये कैमरा हैगा ये इस साइड की कवर कर रहा है। जो ये कैमरे हैं ये 650 वाले कैमरा है ये, और इसके नीचे आपको दो लाइट भी दिख रही होंगी वाइट वाइट से कलर की, तो वो लाइट ही हैं। और ये रात को इतना अच्छा व्यू देती हैं, क्लियरिटी बहुत साफ़ देती है, मतलब कि जैसे बिल्कुल अंधेरा होता है ना उसको बिल्कुल साफ़ कर देती हैं, जैसे कि अब आपको दिख रहा है। तो ये अभी मैंने लाइट, मतलब कि रात का टाइम है ये, और रात को देखो कितना साफ़, मतलब कि अंधेरा रहता है यहाँ पे, और कैमरा लगने के बाद पूरा दिन सा निकल गया है। और देखो मैं इसके ऊपर अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला के रखूँगा तो देखो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएंगी, और देखो फ्लैश लाइट दूर कर दी तो ये अपने आप चल जाएंगी, देखो आराम आराम से चल गई ना, ऐसे ही है ये, मतलब दिन में तो अपने आप चल जाएंगी रात को बंद हो जाएंगी। और एक भाई यहाँ लगा रखा है कैमरा अपने घर के बाहर, ताकि ये सारा विज़न आए इसका, और मैं आपको कैमरे में तो दिखाई दूंगा। देखो भाई तो अभी आपको जो कैमरा दिखाया था वो ये वाली फुटेज है, देखो जो लाइट हैगी वो कितनी साफ़ आ रही है, मतलब कि सारे में जैसे कि दिन नहीं होता वैसे चांदना दे रखा है। ये हैंगे सस्ते वाले जो कि हैं 650 रुपये के थे, और ये हैंगे हिकविजन के जो कि नाइट विज़न नहीं आता इसके
मतलब कि जो लाइट होती है नाइट विजन की वो नहीं आती है इसके अंदर, बस ऐसे ही रहता है वाइट एंड ब्लैक का। तो देख लो भाई कितना डिफरेंस आएगा, देखो ये तो बिल्कुल चांद नसा दे रहा है, दिन ली काट दिया हो, और ये रात का ही आएगा। और ये तो आपने देख ही रखे हैं ये बाहर के, ये थी हमने 5 कैमरे लगा रखे हैं अभी, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, और अभी 3 और लग सकते हैं इसके अंदर। देखो 3 और खाली आएंगे, और इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, जैसे कि आईपी वाले नहीं होते जो कि नेट से चलते हैं, वो वाईफाई वाले, वो भी इसके अंदर लग सकते हैं, 8 कैमरे यहाँ पे लग सकते हैं। जैसे कि आप ये करोगे तो ये इसका आईपी एड्रेस डाल दो, और ये पासवर्ड जो उसमें बना रखा होगा वो है, तो ये और 8 कैमरे आपके तार वाले लग सकते हैं, और 8 कैमरे वाईफाई वाले लग सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।